Hi guys, welcome to Study Khazana. This is your Sameer Kohli sir with the final step revision. काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं. मैथमेटिक्स का फाइनल स्टेप की रिवीजन का लेक्चर नंबर 1 है. मैथमेटिक्स में जाने से पहले सबसे पहले आपको अपने हथियार तैयार करने हैं. मेरा पैटर्न वही रहने वाला है बेटा, जिस तरीके से मैं कराता हूं. सबसे पहले अब आपके एग्जाम में, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इट्स 23rd ऑफ फेब, आज 23rd फरवरी है. आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख आपकी अपनी है. आपके एग्जाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन बचे हैं. ना मैं 6 को इंक्लूड कर रहा हूं, ना मैं 23 को इंक्लूड कर रहा हूं, फिर भी आपके एग्जाम में 10 दिन बचे हैं. आज जो मैं आपको टिप देने वाला हूं, इस टिप को आपको इन 10 दिन यूज करना है. इन 10 दिन के 10 दिन आपको इस टिप को फॉलो करना है. मार्क्स तो छोड़ो, इतना मैथ्स याद आ जाएगा कि अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओगे. पढ़ाई वही है जो आप आगे किसी को पढ़ा पाओ. अब पढ़ाने से पहले आपको टिप्स में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, प्लस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज पर प्लस कंसेप्ट्स, प्लस आपको दूंगा कुछ होमवर्क. जिस तरीके से दूंगा उस तरीके से इन 10 दिन फॉलो कर लेना. ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप मेरे साथ हो तो. ये 10 दिन आप लोग इसको फॉलो करो एंड देन सी हाउ इट गोज. माता रानी का नाम लेते हैं. पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में थोड़ा बहुत बच्चे परेशान होते हैं इस चैप्टर को लेकर, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसमें यूक्लिड भाई साहब ने बहुत इजी कर रखा है. इसमें एक यूक्लिड भाई साहब ने थ्योरम दे रखी है जिसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिविजन लेमा. आप लोग ऐसे लिखोगे जरूर, ये याद रख लेना. उसने बोला है कि गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfy A is equals to B Q plus R, where R is greater than equal to 0, less than equal to B. ये बात बोली है यूक्लिड भैया ने. अब समीर भैया क्या बोलेंगे कि किसी भी नंबर को किसी Q प्लस R की फॉर्म में किया जा सकता है. मतलब अगर मैं बोलता हूं 23 को करो 2Q प्लस R की फॉर्म में, सो इट विल बी 2 × 11 + 1. अगर वो बोलता है 23 को करो 7Q प्लस R की फॉर्म में, तो इट विल बी 7 × 3 + 2. और ये वाली जो टर्म होगी, जैसे 2q प्लस r है तो r की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से बड़ी मगर 2 से छोटी होगी. इस केस में r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी मगर 7 से छोटी होगी. इस टाइप के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ढंग से कर लेना. अब ये वाला जो जिसको मैं टिक कर रहा हूं, ये चीज आपको डेली लिखनी है. आपको लगेगी बोरिंग, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस कंसेप्ट को डेली लिखना. इट विल हेल्प यू. इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर लेना, इट विल हेल्प यू. सेकंड अगर हम आते हैं तो सेकंड जो आता है वो थ्योरम 1.2 है, दैट थ्योरम 1.2 जिसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब वो कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, ये तो भैया बुक वाली लैंग्वेज है। सपोज कोई भी एक प्राइम नंबर ले लिया हमने 18, लेट्स से हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 18, इसके फैक्टर्स बनाओ तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 × 3 × 3, और 2 × 3 × 3 सिर्फ इसी के फैक्टर्स हैं, इसीलिए उसने वर्ड बोला है यूनिक। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इसको अगर बहुत ज्यादा लिख सकते हो तो 3 × 3 × 2 लिख सकते हो, या फिर 3 × 2 × 3 लिख सकते हो, बट ये फैक्टर्स जो हैं सिर्फ 18 के ही होंगे। यही वो लैंग्वेज में बोलना चाह रहा है कि हर कॉम्पोजिट नंबर के अपने नंबर्स होते हैं, अपने प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। कई बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा, करा जरूर होगा, पढ़ा नहीं होगा। अब एक टिप है, फॉर एनी नंबर टू एंड विद जीरो, ये वाला कंसेप्ट एनसीईआरटी में है, ये ध्यान से देख लेना, आ सकता है। इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n। किसी भी नंबर को जीरो से एंड करने के लिए उसके अंदर 2 और 5 का होना जरूरी है। ये टर्म भी आप लोग डेली लिखोगे और याद रखोगे, क्या 7 की पावर n जीरो से एंड करेगा? तो 7 के जब फैक्टर्स बनाए, 7 की पावर n डज नॉट हैव 2 की पावर m × 5 की पावर n एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें m कैन बी इक्वल्स टू n, m कैन नॉट बी इक्वल्स टू n, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, m और n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके अंदर 7 की पावर n में ना तो 2 है ना 5 है, सो इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। सपोज आपसे कोई बोलता है 4 की पावर n, क्या 0 से कभी एंड करेगा? तो 4 के फैक्टर्स बनाओगे 2 × 2 की पावर n, बन जाएंगे 2 की पावर n × 2 की पावर n डज नॉट हैव, किसकी कमी रह गई, 5 की पावर n और 5 की पावर m एज इट्स फैक्टर्स, सो इट विल नेवर एंड विद 0। ये कंसेप्ट है, ध्यान रख लेना, किसी भी नंबर को जीरो से एंड करने के लिए, किसी भी नंबर को जीरो से एंड करने के लिए आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से कलर्स के होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज पे ध्यान दे लेना, बाकी आप लोग समझदार हो। अगला क्या बोला गया हमसे, हम कहां थे, आगे चलते हैं एक और, के दो नंबर्स के केस में, फॉर टू नंबर्स से ए एंड बी, ए इंटू बी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ ए कॉमा बी इंटू, अगर यहां पर एच सी एफ बोल दिया, एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी, इसकी लैंग्वेज को अगर देखना है
तो और अच्छे तरीके से बता देता हूं, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। दो नंबर्स के केस में एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब अगर आप अच्छे हो, दो नंबर के केस में, बार बार बोल रहा हूं, तीन नंबर के केस में ऐसा नहीं है, एच सी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एल सी एम। अगर आपको एच सी एफ निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एल सी एम बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एच सी एफ। ये ध्यान से देख लेना, ये तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आलस मत करना। हमारी प्रॉब्लम क्या है, आसान चीज को इग्नोर कर देते हैं और मुश्किल चीज से डरते रहते हैं, इसलिए कुछ करते नहीं है। भाषण नहीं दे रहा, सिंपल बात बता रहा हूं। कई बच्चों का फोन आता है, सर बोर्ड का पेपर मुश्किल आएगा? नहीं आएगा। सीबीएसई वाले बोर्ड का पेपर बना रहे हैं, सीबीएसई वाले एक बहुत समझदार संस्था है, उनको पता है कि जो पेपर है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों ने करना है, और ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को पढ़ाई के जो जो साधन मिले हुए हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, एक गांव में रहने वाला बच्चा, एक ऐसा बच्चा जहां पर शायद अब इलेक्ट्रिसिटी अभी पहुंची है, इस लेवल पे बच्चे वहां पर हैं और उन बच्चों को पेपर दे रहा है, तो सीबीएसई जानता है कि किस लेवल का पेपर देना है। इसी के लिए सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी किताब जिसे एनसीईआरटी बोलते हैं वो बना रखी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी किताब है। एनसीईआरटी अगर आपने पूरी करी है, आपने सब कुछ करा है। और साथ में ये कंसेप्ट्स अब जो दे रहा हूं, ये अगले 10 दिन तक देखते रहना। अगला आता है इरेशनल नंबर वाला, जिसमें आपसे बोला जाएगा प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। इस टाइप का एक क्वेश्चन डेली करो, ये याद रख लेना। ये आपको हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको टिप दे रहा हूं फॉर्मूला के साथ साथ, प्रूव दैट इट इज रैशनल और इरेशनल, ये डेली करना है बेटा एक क्वेश्चन। अब रूट थ्री अगले दिन, रूट सेवन कर लो, रूट एट कर लो, रूट फाइव कर लो, डेली एक करो, या फिर एक ऐसे वाला करो रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, ये वाले क्वेश्चन जरूर करना। आप लोग समझदार हो, एक क्वेश्चन डेली करते हुए चलना। अगली आती है थ्योरम 1.3, वो कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये बात याद रख लेना, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय समथिंग, तो ए विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट थिंग, ये बात याद रख लेना। इस थ्योरम को हल्का सा देख लेना, अगर 25 जो कि 5 का स्क्वायर है 5 के टेबल में जाएगा, तो इसका अंडररूट 5 भी 5 के टेबल में जाएगा। बस इस थ्योरम को एक बार लिखते चलना, फायदा नहीं है बट नुकसान भी नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो आपने 9th में भी करा हुआ है, दैट इज लेट, थ्योरम ही है, थ्योरम 1.6 बोलती है कि लेट x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। q के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m है, वेयर
एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, विच क्या बेटा टर्मिनेट्स। अब बच्चा कहेगा भैया मुझे समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल 72/25 की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो ये बोल रहा है कि 72/25 को लिख देंगे 5 × 5, 72/5 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे 5 है सिर्फ, तो ये टर्मिनेट करेगा। बच्चा कहेगा सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यहां पर 2 भी है, तो मैं बोलूंगा गलत नहीं पढ़ा रहा, यहां बोला है एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव में 0 हो सकता है, मतलब 72/10 टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, 72/2 × 5 है, जिसके नीचे 5 हो, जिसके नीचे 2 और 5 हो, 72/8 तो मैं नहीं बोलूंगा, 72/16 तो 72/2 × 2 × 2 × 2, 72/2 की पावर 4, कोई भी नंबर रैशनल नंबर जिसके नीचे या तो 5 हो या 2 और 5 हो या बहुत सारे 2 हो या 3, 8, 2, 5 कुछ भी ले लो, अपॉन 2 की पावर 8 × 5 की पावर 2, नीचे अगर सिर्फ 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ढंग से देख लेना अगर क्लास मेरे साथ है तो। अब मैं लास्ट पेज पे जब आता हूं तो वहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि LCM ऑफ 3 नंबर्स PQR बराबर होता है P × Q × R × HCF ऑफ P × Q × R होल डिवाइडेड बाय HCF ऑफ P, Q × HCF ऑफ Q, R HCF ऑफ P, R। अगर ये करा हुआ है तो ठीक है, नहीं करा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब से डेली एक बार ये फॉर्मूला लिख लेना HCF ऑफ P, Q, R बराबर हो जाएगा P × Q × R LCM ऑफ P, Q, R अपॉन LCM ऑफ P, Q, LCM ऑफ Q, R LCM ऑफ P, R। ये दोनों फॉर्मूलाज चांसेस कम है, बट जिस चीज को हम बोलते हैं ना चांस कम है, वही चीज हमारे साथ गुगली कर जाती है, तो पंगे मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी तरफ से, मैंने आपको करवाया है फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज, डेली इनको लिखना। अब आ जाओ पॉलीनोमियल्स में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जितनी बार आप एक्स एक्सिस को टच करते हो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, एफ ऑफ एक्स उतनी बार 0 होगा जितनी बार आप एक्स एक्सिस को टच करोगे। पॉलीनोमियल में एक होता है लीनियर पॉलीनोमियल, ये टिप लिखना जरूर, जिसे बोलेंगे पी एक्स बराबर होगा ए एक्स प्लस बी, अगर ए से बात हो तो ए होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी से बात हो तो बी होता है कांस्टेंट टर्म, 0 ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल बराबर होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स। ये चीज मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कोई आम बंदा नहीं है, बी है कॉन्स्टेंट अपॉन ए है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और इस पूरे रिश्तेदारी को बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, और यहां पर जो पॉलीनोमियल है वो लीनियर पॉलीनोमियल है, एंड इट्स कोफिशियंट्स, एंड इट्स क्या बेटा कोफिशियंट्स, ये याद रख लेना लीनियर पॉलीनोमियल, मैंने गंदे तरीके से लिखा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको मैं बता दूं आप ये वाला चीज मिटा देना, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इतनी चीज आपको डेली लिखनी है। एक 20 रुपए का रजिस्टर लो जिसको भर दो अगले 10 दिन तक डेली, इट विल साउंड यू बोरिंग बट ये जब आपके काम आएगा ना तो याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था। अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ओब्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों साथ में करूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है क्योंकि इसमें LHS और RHS इन्वॉल्व हो जाते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। इसमें अल्फा इसका होता है 1 0, बीटा होता है सेकंड 0, इसमें अल्फा हो जाती है 1 root और इसमें बीटा हो जाती है सेकंड रूट, अगर आपको याद हो जो A है वो है A कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो बी है वो है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और जो सी है वो है कॉन्स्टेंट टर्म। अगर क्लास देखे तो अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जाता है सम ऑफ रूट्स, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, ये याद रख लेना। अगर आप बोलता है अल्फा इनटू बीटा, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने आगे पीछे कर दिया है तो बात एक ही है, ये बराबर होता है सी अपॉन ए, ये टिप याद रख लेना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको देख लेना। अब थोड़ा सा अपना फैक्टर बताता हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का, ये याद रख लेना अगर क्लास साथ है तो। इसमें हमने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ध्यान से याद रख लेना, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा, ये कम जगह दिखेगा बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आ सकता है अल्फा प्लस बीटा की पार स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये 3 फॉर्मूलाज डेली लिखना, फैक्टराइजेशन में भी काम आएंगे, कहीं पर दिखा हो लिखा हो 1 0 या फिर रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो इस केस में थोड़े से स्मार्ट बनना, 1 root को अल्फा लेना, सेकंड रूट को बीटा मत लेना, सेकंड रूट को बीटा मत लेना, ये याद रख लेना क्योंकि उन्होंने बोला है 1 root इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो सेकंड रूट को क्या लोगे आप, सेकंड रूट को
आप सेकंड रूट को लोगे, काफी बच्चों के फोन आ रहे हैं, सेकंड रूट को लोगे माइनस अल्फा, बच्चा कहेगा क्यों, बच्चा कहेगा क्यों, ताकि हमारे पास सम ऑफ रूट्स बोलूं या जीरोस बोलूं, हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा जीरो। ये सब मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स में करा रखा है, बट एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, जब भी ये दे रखा हो तो याद रख लेना, वन रूट लोगे अल्फा, सेकंड रूट लोगे माइनस अल्फा। फालतू चीज हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इस केस में कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, सम ऑफ जीरोस या रूट्स आ जाएगा जीरो। मैंने आपको समझा दिया है, वन रूट लोगे अल्फा, सेकंड रूट लोगे माइनस अल्फा। अगर आपसे कोई बोलता है वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, मैं रूट बोलूं या जीरो बोलूं एक ही बात होती है। इस केस में आप वन रूट को लोगे अल्फा, सेकंड रूट बोलूं या जीरो बोलूं को लोगे वन अपॉन अल्फा। बस ये ध्यान रख लेना, मैं कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं। इस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलूं या जीरो बोलूं तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू वन बाय अल्फा, कट के आ जाएगा वन। इसमें याद रख लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट बोलूं वो आ जाएगा वन। इस चीज को बस देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टिप है। और एक रामबाण अगर सीखना चाहते हो, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है वन रूट बोले या बोले जीरो इज ट्वाइस थ्राइस सिक्स टाइम्स दी अदर रूट, प्रूव दैट, ऐसा कुछ आ जाए, प्रूव दैट वर्ड आ जाए, तो घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना, सम ऑफ रूट्स से वैल्यू लेना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में डाल देना। ये बस याद रख लेना, सम ऑफ रूट्स से वैल्यू लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में डाल देना। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस टॉपिक को लेकर, तो मैं इस टॉपिक पे स्टार मार रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको फाइनल रिवीजन में करा दूंगा। और सपोज अगर नहीं भी कराऊं तो मेरी कई ऐसी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जहां पर पॉलिनोमियल्स के इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना कराना है उतना मैं करा चुका हूं, बट ये लास्ट के डेज है, थोड़ा टच में आने के लिए वी आर डूइंग इट ऑल ओवर अगेन। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक बस हल्की सी थ्योरम है कि इफ पी एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन वी कैन ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स जो है वो रिमाइंडर है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, बराबर होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक टिप दूंगा, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डैश 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 हुज टू जीरोज आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। इस टाइप का एक क्वेश्चन डेली करो। कई बच्चे होते हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का
लॉन्ग डिवीजन ढंग से नहीं आता, जिन जिन को लॉन्ग डिवीजन ढंग से नहीं आता उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक क्वेश्चन टू जीरोस वाला करो। एनसीईआरटी में चार पांच क्वेश्चंस दे रखे हैं, एग्जाम्पलर में दे रखे हैं, सैंपल पेपर में दे रखे हैं, ये जरूर चार नंबर का है। ये पहली टिप दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन जैसे रूट टू रूट थ्री इरेशनल वाला डेली करो, वैसे ही ये वाला टॉपिक भी डेली करना अगर मेरे साथ चल रहे हो तो। अब अगला चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट नहीं, मैं पहले आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी हम टच में हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें वन रूट होती है अल्फा, सेकंड रूट होती है बीटा, अगर क्लास सात है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। और अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो, एंड इसके बाहर अगर लिखना चाहते हो तो एक के कांस्टेंट लिख देना। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दो से मल्टीप्लाई करो, तीन से मल्टीप्लाई करो, चार से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आर रियल ओनली इफ डी डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल तब इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर डी इज ग्रेटर देन जीरो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब है डी इज इक्वल्स टू जीरो। और अगला वो बोलता है रूट्स आर नॉट रियल, इस केस में डी इज लेस देन जीरो, ये याद रख लेना। इसके ऊपर बेस्ड सैंपल पेपर में, हर सैंपल पेपर में एक आधा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये जरूर याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो में, अगर क्लास सात है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें एक रूट होती है अल्फा, एक रूट होती है बीटा, अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ये रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी रूट्स कैसे निकालनी है, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर क्लास सात है तो रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक टर्म आती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये वैसे तो ऑप्शन में आएगा, अगर अच्छे बच्चे हो तो वन क्वेश्चन डेली करना। मैं ये क्वेश्चन डेली करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल होता है, कई बच्चों को इस पे ग्रिप नहीं बनती। तो जब 10 दिन तक लगातार एक क्वेश्चन करोगे तब आपकी कमांड बन जाएगी, आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। मैं 10 क्वेश्चन करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर का डेली करो, ये याद रख लेना। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर इससे बाहर नहीं निकलोगे तो फंसोगे। इसी के साथ टाइम का फॉर्मूला होता है, ये ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी के साथ एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट आने चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, वो ट्रेन व्रेन वाला एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर करा करो। पिकनिक वाले क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि लोग 100 लोग पिकनिक के लिए गए, उस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो सैंपल पेपर में भी हो जाएगा। अभी रिलैक्स करो,
अभी जो जो फॉर्मूलाज दे रहा हूं, ये वीडियो मैं नहीं कह रहा ऐसे करके देखो, इस वीडियो को साथ में चलने दो और इसके नोट्स बनाते रहो। लंबी वीडियो है, 10 रुपए 20 रुपए का रजिस्टर पूरा भर लो, जिसमें आपका टॉपिक बार बार रिवाइज होता रहेगा। अब चाहो तो बीच में पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, उतना सुनना इस वीडियो को जब तक समझ आए। अगर समझ नहीं आए तो मत सुनना, ये बात याद रख लेना। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले मेरी बात को समझना। ये बताने से पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी, ax प्लस by इज इक्वल टू c, लिख दो या लिख दो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। c का साइन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एग्जाम्पल दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो क्लास इसको क्या बोलेगी? आप इसको बोलोगे सर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और सर आपको एक और बात बता दें, हम नाइन्थ क्लास में एक चीज करके आ रहे हैं, हमने एक डब्बा बनाया था x और y लेकर, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/2, ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनेगा मतलब ग्राफ पर इसकी एक लाइन बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो मैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आई कैन राइट इट एज वन लाइन। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हर लीनियर इक्वेशन की एक ग्राफिकल इक्वेशन बनती है। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो हमारा कहने का मतलब है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, दिस इज कोफिशियंट ऑफ वाई, दिस इज कॉन्स्टेंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ वाई, कॉन्स्टेंट। ये दुनिया में बनने वाली एक लाइन है एल वन, ये दुनिया में बनने वाली स्पेस में बनने वाली एक लाइन है एल टू ग्राफ पर। अब ग्राफ पर दो लाइंस कैसी हो सकती हैं? ग्राफ पर दो लाइंस कैसी हो सकती हैं? ग्राफ कौन सा? एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। केसेस क्या क्या हो सकते हैं? अभी लाइंस नहीं बनाई है मैंने, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई डैश, वाई। ये एक लाइन आई, उस लाइन के ऊपर लिखोगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन। ये एक लाइन आई जिसने उसे काटा, जिसके ऊपर लिखोगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। दोनों लाइंस आपस में इंटर सेक्ट एट वन पॉइंट। एक तो ये केस हो सकता है, दो लाइंस के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? द लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक केस ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, एक और लाइन ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। इस केस में हमने क्या लिखा? लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल में बड़ा दिक्कत होता है भाई, साथ साथ चलूंगा तो बट तेरे से मिलूंगा नहीं कभी, ये याद रख लेना। आगे एक लाइन ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, इसी के ऊपर, जी हां इसी के ऊपर सेकेंड लाइन भी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। इस लाइंस को बोलते हैं लाइंस आर को इंसिडेंट। वो बच्चे जो मेरी बातें मानेंगे इस पेपर से पहले, तो वो जहां जहां मैं जा रहा हूं वहीं वहीं वो जा रहे हैं, दे आर कंसाइडिंग विद मी। जो मैं कह रहा हूं वो उस चीज से पूरी तरह सहमत है, दैट इज कॉल्ड को इंसिडेंट लाइन्स। इस केस को बोलते हैं
यूनिक सॉल्यूशन। इस केस को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कब? जब लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस कभी भी मिलेंगी नहीं, इस केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर क्लास ध्यान से देखे तो इस केस को बोलते हैं, जहां जहां तू, ये भी सॉल्यूशन, ये भी, जहां से तू जाएगा वहां से मैं जाऊंगा, जो तू खाएगा वो मैं खाऊंगा, जहां तू सोएगा वहीं मैं सोऊंगा, तो इसको बोलते हैं इन फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपकी मम्मी तब परेशान नहीं होती जब आपके पापा राजमा बनाने को बोलते हैं, आपकी मम्मी तब परेशान होती हैं जब पापा कहते हैं कुछ भी बना लो। कुछ भी का मतलब समझ नहीं आता, कुछ भी में आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग। यूनिक सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू होता है, नो सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू होता है, और ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा वहां बैठा है तो उसको मैं एक टिप दे रहा हूं कि भाई एक ग्राफ का क्वेश्चन डेली करो और एक ए वन अपॉन ए टू वाला क्वेश्चन डेली करो, अगर आपको 100 नंबर लाने हैं तो। सैंपल पेपर में भरमार है इस क्वेश्चन की, मैं गारंटी देता हूं बड़े से बड़े टॉपर बच्चे ने भी इस साल 10th में टोटल अभी तक 10 ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करी होगी। प्लीज इसमें वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करना कि आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। ग्राफ को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ग्राफ का एक क्वेश्चन अब से लेकर अगले 10 दिन तक डेली करो भैया, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं आया तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू वाला आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट, इस सिस्टम को बोलते हैं इन कंसिस्टेंट, इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ये बात याद रख लेना, ये तीनों वर्ड्स याद रख लेना। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये याद रख लेना। अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर क्लास देख रही हो तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन भले डेली मत करना, बट टोटल में 3 या 4 क्वेश्चन कर जाना एग्जाम से पहले सब्स्टिट्यूशन का, एक वो ABCD वाला भी कर लेना। एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन डेली कर लोगे तो कॉन्फिडेंस से जाओगे, इसमें वो 3 अपॉन x अपॉन 4 अपॉन y हर टाइप का कर लेना, एक क्वेश्चन इसके अंदर कर लेना, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आता नहीं है, कभी नहीं पूछा गया, बट अगर पूछा गया तो इंडिया हिल जाएगा। हिल क्यों जाएगा, क्योंकि कोई बच्चा इस क्वेश्चन के लिए तैयार होकर नहीं जाता, आया भी नहीं है कभी, बट अगर आ गया तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन डेली अगर कर लोगे, ये वो डर वाले टॉपिक हैं, मैं नहीं कह रहा ये आएंगे, बट अगर आ गए तो आपको डरा ना पाए। बोर्ड के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं लगा रखी होती हमने, बाद में पछताने से बेटर है पहले तैयारी कर लो, बाकी टॉपिक्स आपने कर रखे हैं। ये देख लेना, इसका एक क्वेश्चन डेली कर लेना, इसके टोटल 3-4 क्वेश्चन कर लेना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स डेली 2 करना, 2 क्वेश्चन डेली करो, इजी से इजी वाले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम,
बट दो न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी और दो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, कर जरूर लेना। इसमें जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे ऊपर मैं रखता हूं टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन को, भैया दैट इज अ 5-star फॉर मी। टाइम और स्पीड वाला क्वेश्चन जरूर करना। सेकंड लेवल पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक दिन एक घंटा लगा लो, या फिर डेली एक क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का करो। एक क्वेश्चन जो मेरे एक वीडियो में मुझसे गलत हो गया था, मेन एंड वर्क वाला क्वेश्चन जरूर करो। एक क्वेश्चन जरूर करो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, डेली एक मत करो बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जरूर करना। एज वाला जरूर करना, एज में वो 3 children वाला जरूर कर लेना, एक आदमी की एज 3 बच्चों की एज के सम के बराबर है, ये ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एज वाला जरूर करना। एक वो स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 room to other वाला जरूर कर लेना, और एक्स फैक्टर जो मैं बोल रहा हूं वो देख लेना। एक तो रेलवे टिकट वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, रेलवे टिकट वाला क्वेश्चन आ गया तो घुट जाओगे, रेलवे टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर वाला क्वेश्चन। एक इसमें ऑटो रिक्शा वाला जरूर कर लेना, ऑटो रिक्शा वाला एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक हॉस्टल चार्जेस वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, हॉस्टल का कॉन्स्टेंट है ये है वो है, वो जरूर एक बार देख लेना। अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन डेली करोगे ना तो डर नहीं लगेगा। एक रेक्टेंगल वाला जरूर कर लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स इंक्रीज्ड बाय दिस। अगर आप देखो तो मैंने आपको बता दिया है, इन न्यूमेरिकल्स को जरूर करके जाना, वर्ड प्रॉब्लम्स को, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। अगला जो हम आते हैं दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कराने से पहले मैं आपको एक डिक्टेशन देता हूं, मैंने बोला राइट एन एपी, तो आप लिखोगे a+d a+2d a+3d a+4d डॉट 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 a+n-1d, दिस इज एन एपी नंबर 1। मैंने बोला राइट अनदर एपी, तो मेरी क्लास डलेगी नहीं, मेरी क्लास बोलेगी a+d a+2d a+3d डॉट 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 a+n-1d, और जरूरी नहीं है कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम हो, तो n की जगह यहां लिख दिया n, mth टर्म हो गई इसके अंदर। अब मैंने बोला राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज सेम एज ऑफ एपी 1, ध्यान से, तो मेरी क्लास क्या लिखेगी, a+d(a+2d)a+3d) डॉट 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 a+n-1d". अब जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म सेम हो, n m n, इसको m डैश कर दिया। ये चीज समझ आई है तो बात करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं राइट एन एपी, मैंने आपको बोला राइट एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम एज एपी 1, तो मेरी क्लास क्या बोलेगी, कैपिटल ए ले लो, कॉमा a+d a+2d a+3d डॉट 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 a+n-1d, ये ऐसे कर दिया हमने। तो एपी को पहले फील करो, एपी है क्या, तब उस चीज को करना फायदा होगा। दोबारा आते हैं, a+d a+2d a+3d डॉट 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 a+
एन माइनस वन डी, ये आ गए हम लोग इसमें एपी के अंदर। एपी के अंदर जो एनथ टर्म होती है इसे जनरल टर्म बोलते हैं, ये बराबर होती है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप सबको पता होगा, समटाइम्स इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं एल, तो ये भी देख लेना। इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये भी याद रख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक टिप दे रहा हूं, मेरे अपने बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, इफ एस एन इज इक्वल्स टू थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन फाइंड द एपी, इस टाइप का एक क्वेश्चन डेली करो, डेली करो, जो मैं बोल रहा हूं डेली करो, उसको साइड साइड में लिखते चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपी को लेकर। एपी की अगर आपने रिवीजन करनी है तो एपी के लिए तो आप लोग सैंपल पेपर करोगे, उसमें इट विल बी गिवन। एपी में एक टिप दे देता हूं, अगर वो बोलता है थ्री टर्म्स इन एपी या थ्री नंबर्स वर्ड भी वो बोल देता है, तो आप लोगे फर्स्ट टर्म लेना ए माइनस डी, सेकेंड टर्म लेना ए, थर्ड टर्म लेना ए प्लस डी। इस केस में आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी ए माइनस डी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो माइनस करके डी आएगा। अगर वो बोलता है फाइव टर्म्स इन एन एपी बोलता है, तो आप लिखोगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ये याद रख लेना, ये फाइव टर्म्स वाला है। अगर वो बोलता है फोर टर्म्स इन एपी, ये ध्यान से देख लेना, आया हुआ है लास्ट ईयर, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, इसका लालच ये होता है कि जब प्लस करने पे आए तो डी से डी कट जाएगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो टू डी आ जाएगा, बस ये याद रख लेना। ये टिप है छोटी सी, जो जो बोल रहा हूं उन टॉपिक्स को लिखते हुए चलना। एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 11th क्लास का मैथ्स का एनसीईआरटी की 9.2 एक्सरसाइज जरा पूरी कर लेना। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एपी दे रखा है। मैं मानता नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ। इसमें एपी को कई क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक वो क्वेश्चन जरूर करना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, और एक वो पोटैटो वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, पोटैटो वाला जरूर कर लेना, और सेवन कैश प्राइज वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे जो चैप्टर आता है दैट इज क्या, ट्राइंगल्स में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगले 10 दिन के अंदर, यू हैव गॉट 10 डेज ट्राइंगल्स प्लस सर्कल्स। सर्कल में एक थ्योरम है और ट्राइंगल के अंदर पांच थ्योरम है। पहली थ्योरम है बीपीटी, सेकंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थर्ड थ्योरम है एरिया थ्योरम, फोर्थ थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, फिफ्थ थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसमें जो एक थ्योरम है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाली थ्योरम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग डेली टू थ्योरम्स प्लस स्टेटमेंट प्लस प्रूफ, बड़े से बड़ा टॉपर भी जो है, जिसके मैथ्स में 80 में से 80 भी आए हो, उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थ्योरम्स को डेली, दो थ्योरम्स डेली लिख लिख के करो, बचा गएगा आप टाइम वेस्ट करा रहे हो,
मैं कहूंगा मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा। अगर आपको थ्योरम बाय हार्ट भी आती हो, अच्छी तरह भी आती हो, और अगर आपको वो थ्योरम आप 3 मिनट से लेकर 5 मिनट में पूरी कर पाते हो, और अगर अगले 10 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वही थ्योरम आप 2.5 मिनट से 4 मिनट के अंदर जल्दी से कर दोगे। थ्योरम की स्टेटमेंट वगैरह डेली डेली 2 थ्योरम्स करो। हाँ, ट्राइंगल चैप्टर अगर किसी को मुश्किल लग रहा हो तो उस बच्चे से मैं बोलूंगा छोड़कर चले जाओ। ट्राइंगल में ज्यादा मार्क्स का नहीं आना, 8 नंबर का आना है। 4 नंबर की थ्योरम आनी है बच्चे, 4 में से 2 1-1 नंबर के और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लो, परेशानी का कुछ कोई भी ऐसी चीज मत करो जिसके लिए तुम्हें परेशान होना पड़े। अगर आपको ट्राइंगल में प्रॉब्लम आ रही है, दिस मीन्स कि मैथ्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या लड़ना है यार, 2 नंबर की वो मत करो। हाँ, अगर कोई चाहता है कि ट्राइंगल में मुझे नंबर लाने हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अच्छी वाली प्रैक्टिस। 6.1 तो कुछ है ही नहीं, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये ध्यान से देख लेना, प्लस सर्कल्स की जो 10.1 है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहीं गलती से नाम गलत बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सर्कल्स की जो 10.1 है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10.2 प्लस इनके साथ होते हैं एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 10 का राउंड है, जब आप प्रैक्टिस करो दो थ्योरम के बाद इस एक्सरसाइज से पहले का एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से पहले का एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, अगर आप डेली कर लोगे तो 10 दिन के अंदर आपकी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, सर्कल ट्राइंगल। एक बात, या एक दिन में ट्राइंगल मत खत्म करना, अगर एक दिन में खत्म करोगे तो दूसरे और तीसरे दिन आप ट्राइंगल भूल जाओगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो ट्राइंगल पे अगर कमांड चाहिए तो डेली करो, अगर नहीं चाहिए तो जो करना है वो करो। दिस इज हाउ योर ट्राइंगल इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। एक एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा 14, 15, 16 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन डेली करोगे तो लास्ट के दिन में आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन बच जाएंगे, जो कि बड़ी बात नहीं है। और इन क्वेश्चंस को पीछे से आगे करना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब करो तो लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन करना, अगर एंड में बच भी जाएंगे तो एक्सरसाइजेस के 1 और 2 क्वेश्चन बच जाएंगे शुरू वाले, जिसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हां, अगर डरना है, अगर किसी चैप्टर से एक्चुअली में डरना है तो उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे जरूर डरो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों डरो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा। IIT वगैरह के एग्जाम्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले दे रखा है डिस्टेंस फॉर्म्यूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे रखा है सेक्शन, कितनी गंदी राइटिंग होगी यार, सेक्शन फॉर्म्यूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे रखा है मिड पॉइंट फॉर्म्यूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सेक्शन फॉर्मूला इज x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन 2, y बराबर होता है y1 + y2 / 2। इसमें एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाफ मॉड में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का मॉड, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी में एक चीज आती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इफ x1, y1 x2, y2 x3, y3 आर कोलिनियर तो डायरेक्टली x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3
वाई वन माइनस वाई टू बराबर हो जाएगा जीरो के। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो ट्राइंगल नहीं बनाते, और क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनाते तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट वाला, जिसमें ऐसा हो जाएगा ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू वन, कहीं पे दे रखा होगा ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा बी एंड एक्स कॉमा वाई आर कोलिनियर, शो दैट। इसके आने के चांसेस हैं। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन याद से कर जाना। प्लस एक और बात याद रख लेना, एक्स एक्सिस पर अगर आप देखो 1.0 2.0 -1.0 वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस पर ये याद रख लेना एक्स 0 होता है। ये याद रख लेना, ये कंसेप्ट बार बार वो शेक करते हैं। मैं अभी कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं करा, वो नहीं करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं जो आपको डेली लिखने हैं। लिखवाते लिखवाते थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में भी बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस देख लेना। अगला चैप्टर जो आता है वो तो जानलेवा चैप्टर है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अंडर रूट में 0/4 अंडर रूट में 1/4 अंडर रूट में 2/4 अंडर रूट में 3/4 अंडर रूट में 4/4 में साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। आप बहुत अच्छे भी हो, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे भी हो, आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, स्टिल मैं आपको कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल डेली बनाना, डेली। वहां पर जैसे ही एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डेली बनाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डेली से ये नहीं है कि आपको बनाना नहीं आता या आप वहां बना नहीं पाओगे, अगर आप अगले 10 दिन भी ये टेबल ना बनाओ तो भी आप ये टेबल वहां 100% सही बना लोगे। बट अगर आप ये टेबल डेली बनाओगे तो आपकी कमांड इस टेबल पर अच्छी हो जाएगी, वहां पर एक मिनट के अंदर टेबल बन जाएगा। अब सपोज ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0, ये 0, ये 1/√3, ये √1, ये √3, और ये नॉट डिफाइंड। अब एक टिप देता हूं, सपोज आपकी स्कूल की प्रिंसिपल मैम, अगर आपकी प्रिंसिपल मैम आपको नाम से बुलाएं तो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट इज अ गुड थिंग कि प्रिंसिपल मैम को आपका नाम याद है। आपकी शैतानियों की वजह से भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इतने शैतान हो कि आपके टीचर्स को आपका नाम याद है। उन टीचर्स को जो आपको नहीं पढ़ाते हैं, अगर उनको आपका नाम याद है तो मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी गुड स्कूल लाइफ। मस्ती कर रहे हो, मस्ती करते रहो, बट किसी को तंग मत करो। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अलग से लिखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, आप लिखो साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर मेरा कोई ऐसा बच्चा है कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये 30 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं। अगर मैं इनको डेली नाम से बुलाऊंगा ना तो ये मेरी इज्जत करेंगे। टेबल बनाने के बाद हर वैल्यू को इंडिविजुअली लिखो। 30 वैल्यू हैं, 2 मिनट में लिखी जाएंगी। अगर लिख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन जैसे आता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो इमीडिएटली आप बोल दोगे इस 1 की जगह क्या लिखना है, इस 1 की जगह tan 45 लिखना है। आपको टेबल में जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा। अगर ये एक्सरसाइज आप डेली करते हो, इस तरीके से करते हो, तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, ये मैं बता रहा हूं आपको। अगला, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, दिस इज 1, साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दिस इज 2,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन, दिस इज थ्री, क्योंकि साइन थीटा वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कट के वन हो जाता है. कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, कॉस थीटा इज वन अपॉन सेक थीटा, अगर क्लास सात है तो वन अपॉन सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन होगा. अगला आता है टैन थीटा, टैन थीटा होता है पी अपॉन बी, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है वन. अब इस समय मैं आपको फॉर्मूलाज समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूं, जब किसकी जरूरत होगी, कब कहां पर क्या लगाना है, सब दे रहा हूं. जिनको बॉक्स में लिख रहा हूं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला आता है कोसेक थीटा, विच इज एच अपॉन पी, कोसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी होगा वन. ये फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. सेक थीटा इज एच अपॉन बी, सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन. ये बात याद रख लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज वन ओवर टैन थीटा, और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर होता है वन. ये फॉर्मूलाज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक स्टार्ट करने से पहले जब अपने दिन की शुरुआत करोगे, और एक रात को सोने से पहले, राइट ऑल दीज फॉर्मूलाज टू टाइम्स अ डे. अगर दो बार लिखोगे तभी इनका फायदा उठा पाओगे, अगर नहीं लिखोगे दो बार तो फायदा नहीं उठा पाओगे, नुकसान कर बैठोगे. अगला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज वन, साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा. ये नौ आइडेंटिटीज, नौ ग्रहों की तरह हैं. अगर आपकी ग्रह ठीक चल रहे हैं तो सब सही है, ग्रह खराब है तो सब खराब है, ऐसा बोलते हैं लोग, आई डोंट नो. ये फॉर्मूलाज प्लीज दिन में तीन टाइम्स डेली लिखना. ये आप लोग ब्रेकफास्ट के टाइम लिखना, लंच के टाइम लिखना, और डिनर के टाइम लिखना. सैलेड मत खाना, बट ये तीन फॉर्मूलाज लिखना ज़रूर. इन फॉर्मूलाज पे कमांड होने के लिए जब एक बार लिखो तो ऐसे लिख लेना, दूसरी बार लिखो तो ऐसे लिख लेना. साइन स्क्वायर थीटा ना लिख के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू वन, सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वन. हर बार एंगल चेंज करके लिख लोगे तो कमांड अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी. अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वन क्वेश्चन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आप लोग में वन क्वेश्चन ना बोल के टू क्वेश्चंस डेली करो, दो क्वेश्चंस डेली करो, मार्क्स 100% आएंगे. अब आपके लास्ट के 10 दिन है, अब आपने मेन ध्यान तो मैथ्स पे ही देना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कंस्ट्रक्शंस के लिए. अगला जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, प्लीज मेरे अंदर ये कमी थी कंस्ट्रक्शन का, वन क्वेश्चन डेली करो, एनसीईआरटी से करो, बाहर से करने की जरूरत नहीं है. अगला चैप्टर जो है, जो सबसे ज्यादा जानलेवा चैप्टर है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड उसके बाद एक चैप्टर है वॉल्यूम्स. इसके सारे फॉर्मूलाज आप लोगों के पास
अब तक लिखे हुए होंगे, मुझे इस समय आपको फॉर्मूलाज देने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली जितने सेक्टर वॉल्यूम्स के इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, प्लीज फ्रस्टम वगैरह के ढंग से फॉर्मूलाज लिख लो, और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के फॉर्मूलाज और वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज को मिनिमम एक बार डेली लिखो। आप जितने मर्जी अच्छे बच्चे हो, ये फॉर्मूलाज की वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाली हुई है, इसके लिए आप स्टडी खजाना .com पर भी जा सकते हो। ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला आता है स्टार्ट्स। स्टार्ट्स में मीन के तीन फॉर्मूलाज होते हैं, मोड का एक फॉर्मूला होता है और मीडियन का एक फॉर्मूला होता है। मीन का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, विच सेज मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक होता है इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड, जो बोलता है कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो बोलता है मीन, क्या गंदी राइटिंग लिख रहा हूं, स्टेप डेविएशन अगर मम्मी ने देख लिया तो डांट पड़ेगी, मेथड मीन बराबर होता है ए प्लस एच इनटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर क्लास सात है तो मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। और मीडियन का फॉर्मूला होता है, अगर क्लास सात है तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ये टोटल पांच फॉर्मूलाज हैं, आप एक क्वेश्चन मीन का डेली करो, एक मोड का डेली करो और एक मीडियन का क्वेश्चन जरूर करो, प्लस एक क्वेश्चन ओजाइव का जरूर करो। ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजाइव को लेकर बच्चे भूल जाते हैं। और ये याद रख लेना कि थ्री मीडियन बराबर होती है मोड प्लस टू मीन के, ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखो और मीन को लेकर ये फॉर्मूलाज डेली लिखो। एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, अगले दिन एक क्वेश्चन इसका, एक मोड का, एक इसका। मीडियन में एक्स और वाई वाला क्वेश्चन जरूर कर जाना, ओजाइव का एक क्वेश्चन जरूर करना। इसमें मैं भी आलस करता हूं पढ़ाते हुए कि ओजाइव खुद बना लेंगे, बट ओजाइव इंपॉर्टेंट है। अगला आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन होती है। इसमें बेटा वन डाई वाला एक कर लेना, वन डाई का सैंपल स्पेस, इसमें टू डाइस वाला कर लेना, वन डाइस टू डाई। इसमें कार्ड्स को एक बार बना लो, कार्ड्स की वीडियो मेरी यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, कार्ड्स वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। एक इसमें 53 ट्यूजडे वाला क्वेश्चन देख लेना, इन अ लीप ईयर एंड इन अ नॉन लीप ईयर। ये करने के बाद मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा करा दिया है, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो आई वुड लाइक टू कि मुझे माफ कर देना, गलतियां मैं दिन में एक करोड़ करता हूं। यहां करने के बाद वी आर डन विद द फॉर्मूलाज। आप लोगों ने अब अपना पैटर्न क्या बनाना है, आप लोगों का पैटर्न ऑफ स्टडी क्या हो सकता है अगले 10 दिन तक। जब आप सुबह उठो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप फॉर्मूलाज करोगे। फॉर्मूलाज करने के बाद जो मैंने आपको थ्योरम्स करने के लिए बोली हैं, थ्योरम्स दो करोगे प्लस ट्रायंगल एंड सर्कल का जैसे करने को बोला है वैसे करोगे। थ्योरम करने के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं
कि इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर करना। क्वेश्चंस में ये याद रख लेना कि वर्ड प्रॉब्लम्स कम से कम दो इंटू दो, दो लीनियर इक्वेशंस की और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूर करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जरूर करना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का एक क्वेश्चन जरूर करना। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन जरूर करना। स्टैट्स का एक क्वेश्चन जरूर करना, वो बच्चे जिनके चांसेस कम है, जिनको लग रहा है मैथ्स मुश्किल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से करने के बाद इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू गेट 100, आप एक सैंपल पेपर डेली करना। एक सैंपल पेपर डेली मतलब इट्स अ 3 आवर प्रोसेस। अगले 10 दिन तक 10 सैंपल पेपर करो। अगर आप रोडीज देख रहे हो और रोडीज लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि 2 सैंपल पेपर डेली करो, दैट इज 3 घंटे। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखो तो ये सब करने में आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, ये करने में आपको 3 घंटे लगेंगे, ये करने में आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 और 3 6 और 2 8, 8 घंटे तो आपके पापा जॉब भी करते हैं। योर फादर वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे, योर मॉम वर्क्स 16 आवर्स अ डे। मम्मी की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप ये 8 घंटे तरीके से कर लेते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे डिस्कशन मत करो, इन सब का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ एक बुरी चीज हो चुकी है, दैट इज पबजी, अगर पबजी वबजी तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो भगवान के लिए 10 दिन के लिए उससे पीछा छुड़वा लो। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग। बाकी आप लोग के ऊपर है, जो आपको ठीक लगे करो। इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस तरीके से आप पेपर की तैयारी करो, 100% नंबर आएंगे। ये जो लेक्चर मैंने अभी दिया है, इस लेक्चर को एक बार सुनो और एक बार साइड में चलने दो ताकि ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में घूमते रहें। हां, एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, ये जो सैंपल पेपर आप कर रहे हो, प्लीज आप किसी भी टीचर के पास जाओ और इस पेपर को चेक अगर तुमने करवा लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, अगर आप नहीं जा सकते हो तो अपने मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो, वो चेक करवा लाएंगे। इतनी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हां, अब बात आती है, अगर आपको कोई डाउट होता है कि सर हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो यू हैव योर स्कूल टीचर, यू हैव योर ट्यूशन टीचर। अगर वो ना हो तो स्टडी खजाना .com पे जाओ, वहां पर मेरी फुल कोर्स की वीडियोस अवेलेबल है। आपको कोई दुनिया का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो वहां नहीं मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पर जाओ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना होता हो तो इस क्वेश्चन पे मुझे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट करा सकूं। और कॉन्फिडेंस रखो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होता कि आप मार्क्स लाओ, एजुकेशन का पर्पस होता है कि आप कैसे पढ़ो। लाइफ में भी आगे आपको सिचुएशंस मिलेंगी, लाइफ में भी आगे चैलेंजेस मिलेंगे, तो उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है उसकी तैयारी इस तरीके से होती है। तो ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। डाइट अच्छी रखो, पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पी लो, फ्राइड खाना कम खाओ, और आइसक्रीम अगर पसंद है तो खा लो। अगर आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं पड़ते हो तो आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा होता है। 1-2 किलो वेट बढ़ रहा है, बढ़ने दो। फ्राइड को थोड़ा सा अवॉइड करो, पानी जरूर पियो। अगर आप लोग कोई गेम खेलते हो, बैडमिंटन वगैरह, आधा घंटा बैडमिंटन जरूर खेलो। अगर खेलते हो तो मेरे लिए रैकेट्स मत खरीद के ले आना कि सर ने बोला है। बैडमिंटन खेलते हो तो खेल लेना, नहीं तो आधा घंटा वॉक वूक कर लेना। हो सके तो व्हाट्सएप से दूर रहो, जितना रह सकते हो, रह नहीं सकते हो अब तो लोग अपने व्हाट्सएप, तो इट्स लाइक सेकंड थिंग। और एक और बात बोलूंगा, एक पेन, एक ऐसा पेन ले लो जिससे आपका फेवरेट पेन जो है उसी पेन को अगले 40 दिन आपने यूज करना है। मैथ्स के पेपर में नहीं, आपने हर पेपर के लिए अब अपना एक फेवरेट पेन ले लो, उसी पेन से प्रैक्टिस करो। 4-5 पेन खरीद लाओ और उसकी 10-12 रिफिल्स खरीद लाओ, ताकि आपका पेन जो होना चाहिए, तेंदुलकर या कोहली या कोई भी बैट्समैन अपने बैट का बड़ा ध्यान रखते हैं, मैच वाले दिन वो नया बैट खरीदते नहीं है। कई बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले महंगे महंगे पेन खरीद कर आ जाते हैं। नहीं,
अगर महंगे महंगे पेन खरीदने हैं तो अब खरीदो और 10 दिन उस पेन से पहले रिहर्सल करो। जब आपको लग जाए कि उस पेन से आपकी स्पीड मैक्सिमम आ रही है, उसी पेन से पेपर देने जाओ। कोशिश करो ब्लैक और ब्लू दो पेनों का यूज करो ताकि आपके आंसर्स इफेक्टिव हो जाएं। जो आंसर लिखो उसको बॉक्स में लिखो और हो सके तो अगले 40 दिन, मैं कभी मना नहीं करता, पहले गाने सुनते सुनते मत पढ़ना। अगर गाने सुनते सुनते पढ़ोगे तो आई प्रॉमिस यू 4-5% नंबर खराब हो जाएंगे। ये भी बहुत सारी टिप्स हैं, उनमें से एक टिप दे रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में गाने चल रहे होंगे दिमाग में, गाने अब सुनना बंद कर दो। गाने सुनना बंद करने के बाद मैंने जो एक सैंपल पेपर आपको करने के लिए दिया है, उस सैंपल पेपर को 10:30 से 1:30 के बीच में करो, क्योंकि यही टाइम है जब आपका बोर्ड का पेपर होगा। जब आपका बोर्ड का पेपर होगा उस दौरान ही एक सैंपल पेपर जो करने को बोला है वो करो। 10:15 पे उस पेपर को पढ़ो, 10:30 तक पढ़ो। इसी दौरान अपना ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो, हालांकि वो मना करते हैं, बट हल्का फुल्का बना लो और इस पेपर की टाइमिंग पे ध्यान दो। और अगर मुझे 100% फॉलो करते हो तो सेक्शन डी सी बी ए करना, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करना, कम मार्क्स वाले बाद में। एक नंबर के 3 क्वेश्चन भी छूट गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो ज्यादा नुकसान होगा। एग्जाम में यह मैटर नहीं करता कि तुमने मुश्किल क्वेश्चन किए या आसान किए, एग्जाम में यह मैटर करता है कि किसके कितने मार्क्स आए। अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो इग्नोर कर दो। बहुत सारी बातें बहुत लोग बोलते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। जिस वीक में यह वीडियो रिलीज हो रही है, मेरी जिंदगी के 3 इंपॉर्टेंट लोगों का बर्थडे आता है, मैं तो उनको हैप्पी बर्थडे बोल नहीं पा रहा। आप उनको मेरी तरफ से मन ही मन से हैप्पी बर्थडे बोल दो। दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू इज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। माता रानी आप सबको खुश रखे, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, घर पे झगड़ा कम करो और पता नहीं क्या क्या करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।